तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क किसने लिया ए ने क्योंकि उसने तो इसीलिए जब मार्केट ऊपर में जाएगी द रिवॉर्ड इन एप्सलूट टर्म्स विल बी हायर फॉर ए एंड लीस्ट फॉर सी सो डेल्टा क्या होता है डेल्टा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइंग एसेट Welcome to आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर एन ऑप्शन जनरली ये स्टेटमेंट बोला करता हूं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इवेंचुअली एवरीथिंग विल बॉइल डाउन टू दिस नाउ व्हाट इज दिस दिस इज डेल्टा ऑप्शन के प्राइसेस को डिटरमाइन करने में ये पांच पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेल्टा दीज आर कॉल्ड फाइव ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग एंड दीज आर डेल्टा गामा थीटा वेगा एंड रो जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा है वेदर यू आर एन ऑप्शन बायर और एन ऑप्शन सेलर वेदर यू आर एन इंट्रा डे ट्रेडर स्विंग ट्रेडर और अपोजिशनल ट्रेडर आप जो मर्जी टाइप की ट्रेडिंग करते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यह पैरामीटर सीखे बिना आप ऑप्शन में एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल प्लेयर नहीं बन सकते हैं मेरा ऐसा मानना है दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर एंड एवरीथिंग इन ऑप्शन बॉयस डाउन टू दिस पैरामीटर कॉल डेल्टा डेल्टा होता क्या है डेल्टा और डेल्टा की एप्लीकेशन समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो पता होनी चाहिए पहला वन यू शुड नो वट इज ऑप्शन आप आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन के बारे में मालूम है आपको कॉल ऑप्शन मालूम 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 है 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 आपको आपको पुट ऑप्शन ऑप्शन ये भी मालूम है कि option में चार टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक वो जो कॉल बाय करता है इसकी काउंटर पार्टी वो जो कॉल को सेल करता है सो वन इज अ कॉल बायर अदर इज अ कॉल सेलर वन इज अ पुट बायर एंड अदर इज अ पुट सेलर इसके अलावा यू शुड बी नोइंग अबाउट द ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन क्या होता है अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं मालूम है अगर आपको ऑप्शन चेन के सारे पैरामीटर समझ में नहीं आते हैं सो वी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन चेन उसके सारे पैरामीटर्स किस किस तरीके से काम करते हैं क्या उनका मतलब होता है और क्या उनका मकसद होता है इसके ऊपर हमारी एक स्पेसिफिक वीडियो है वो आप जाके एक बार विजिट कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके पैरल टैब में आप उस वीडियो को देख लीजिए देन टॉकिंग अबाउट द डेल्टा सो वो टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है वो टर्म्स कौन कौन सी है जो आपको पता होनी चाहिए पहला कॉल बाय कॉल सेल पुट बाय पुट सेल ऑप्शन चेन के सारे पैरामीटर्स स्ट्राइक प्राइस इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए

एसेट क्लास को अंडरलाइंग एसेट को बाई करने का राइट right है मार्केट में वो प्रोडक्ट हंड्रेड का चल रहा है आपके पास 95 फाइव में बाई करने का राइट right है सो दिस ऑप्शन इज इन द मनी ऑप्शन क्योंकि इसको एक्सरसाइज करते ही आपको प्रॉफिट हो रहा है फाइव आपने जितना मर्जी प्रीमियम पे किया उससे नहीं फर्क पड़ता हमें सो फाइव इन द मनी या फाइव इसकी इंट्रेनसिक वैल्यू हो गई यही अगर 105 का कॉल ऑप्शन होता अगर आप इसको अभी के अभी एक्सरसाइज करते हैं right है, लेकिन मार्केट द मनी ऑप्शन और हंड्रेड रुपीज का स्ट्राइक प्राइस इज एट द मनी ऑप्शन के लिए 105 इन द मनी था और 95 आउट ऑफ द मनी था और अगेन एट अगर आप ये अब तक देख रहे हैं तो एम श्योर कि आपको ऑप्शन में इंटरेस्ट है पर क्या आप कॉन्फिडेंट नफ हो ट्रेड करने के लिए एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए अब सोच के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए ना वट इज डेल्टा इसको ऐसे समझते हैं तो देर आर थ्री पीपल ए बी एंड सी A ने फॉर एग्जाम्पल टेन लाख रुपीज का फ्लैट परचेज किया बी ने फॉर एग्जाम्पल वन करोड़ का फ्लैट परचेज किया और सी ने फाइव करोड़ का फ्लैट परचेस किया अगर फ्लैट्स की वैल्यू जिंदगी में नहीं बढ़ी और या फिर एक ही लोकेलिटी के आसपास उन्होंने किया वहां पर ड्यू टू सर्टन रीजन की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है गवर्नमेंट तो ए को नुकसान होगा जितने का उन्होंने परचेस किया फॉर एग्जांपल टेन लैख ट्वेंटी लाख बी को नुकसान होगा फॉर एग्जाम्पल वन सीआर और सी को नुकसान होगा फॉर एग्जांपल फाइव सीआर तो सबसे कम लॉस ए को सबसे ज्यादा लॉस सी को लेकिन हमारे काम की चीज ये है अब अगर फ्लैट के प्राइसेस अपार्टमेंट के प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा 5 करोड़ वाला जो फ्लैट है इसका रिस्क ज्यादा है तो जब इसके प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन एप्सोलूट टर्म्स फाइव करोड़ वाले को ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है इसी एग्जाम्पल को हम फाइनेंशियल मार्केट में भी समझेंगे अभी वही वन करोड़ वाला जो फ्लैट है उसके प्राइसेस एज्यूमिंग कोई एक्सट्रॉर्डनरी चीज नहीं हो रही है एज इन जो कंस्ट्रक्शन ए के आसपास हो रही है वही बी वाले के आसपास हो रही है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है जो कंस्ट्रक्शन ए के आसपास हो रही है वही सी के आसपास हो रही है नाउ जब फ्लैट के अपार्टमेंट के प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे

थाउजेंड फाइव हंड्रेड सबसे महंगा है कम से कम फाइव हंड्रेड रुपीज का बी ट्वेंटी थाउजेंड थोड़ा सस्ता है लेट से टू हंड्रेड रुपीज का और सी उससे भी सस्ता है लेट से ट्वेंटी रुपीज का ये तीन हमारे ऑप्शन है तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्क किसने लिया ए ने क्योंकि उसने 19,500 का ऑप्शन बाय किया जो 500 हंड्रेड रुपीज तो इंट्रेंसिक वैल्यू रखता है और फॉर एग्जांपल 100 रुपीज टाइम वैल्यू भी रखता है सो so ए ने बाय किया 600 रुपीज वाला ऑप्शन 600 प्रीमियम पे करके बी ने बाय किया फॉर एग्जांपल 200 हंड्रेड वाला ऑप्शन और सी ने बाय किया फॉर एक्साम्पल ट्वेंटी वाला ऑप्शन तो रिस्क इज हाइएस्ट विद ए एंड लोएस्ट विद सी इसीलिए जब मार्केट ऊपर जाएगी मार्केटिंग के फेवर में जाएगी द रिवॉर्ड इन एप्सोलूट टर्म्स विल बी हायर फॉर ए

डेल्टा फॉर इन द मनी कॉल ऑप्शन इज अ नंबर विच इज 50 परसेंट टू 100 परसेंट विच अगर मार्केट हंड्रेड रुपीज बढ़ेगी तो आपका ऑप्शन इस हंड्रेड रुपीज की मूवमेंट के कंपेरिजन में इसका फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट इंक्रीज करेगा सो so, मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन का डेल्टा इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव या फिर सेवेंटी फाइव परसेंट तो निफ्टी के हंड्रेड रुपीज के मूव पे आपका प्रीमियम सेवेंटी फाइव रुपीज बढ़ेगा कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा इज अप्रॉक्सिमेटली जीरो पॉइंट फाइव और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा इज बिटवीन जीरो टू जीरो पॉइंट फाइव या जीरो बीस हजार पांच सौ वाली कॉल ऑप्शन बाय करी है और निफ्टी से ऊपर जाती है फ्रॉम ट्वेंटी थाउजेंड तो आपका ऑप्शन कुछ दस रुपए पंद्रह रुपए बीस रुपए तीस रुपए के आसपास आपका ऊपर जाएगा लेटेस लुक एट दिस हाउ दिस कैन चेक सो लेटस ओपन आर धन प्लेटफॉर्म और यहां पर आई क्लिक ऑन ऑप्शन ट्रेड ऑप्शन ट्रेडर में यू कैन सी अंडर स्ट्रेटी बिल्डर यू सी देर इज समथिंग कॉल्ड व्यू ऑप्शन चेन सो देर इज अ लिंक कॉल्ड व्यू ऑप्शन चेन वेन आई क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन चेन आई गेट निफ्टीज ऑप्शन चेन लाइव इन फ्रंट ऑफ मी इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं आप इस ऑप्शन का चार्ट देख सकते हो आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे प्लॉट कर सकते हो वहां पे अपनी पसंद के इंडिकेटर्स लगा सकते हो लेकिन हमारे काम की चीज है ये डेल्टा वाइट वाले जो ऑप्शन हैं फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया एंड दिस एरिया दीज आर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव कॉल्स ऑन द राइट साइड वी हैव पुट्स और यह हाईलाइटेड पोर्शन आर इन द मनी ऑप्शन और यह जो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पर दिस इज एट द मनी ऑप्शन सो इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा ज 50% परसेंट टू हंड्रेड परसेंट और लेट से जीरो पॉइंट फाइव टू वन इसीलिए जब ये मार्केट वन थाउजेंड फोर हंड्रेड पे चल रही है ट्वेंटी और वहीं हंड्रेड आउट ऑफ द मनी द डेल्टा इज जीरो अगर हम की बात करें तो यह पुट ऑप्शन इन द मनी पुट ऑप्शन का डेल्टा इज मोर देन और आउट ऑफ द रोपुट ऑप्शन का डेल्टा इज लेस देन जीरो से कम नहीं होता यहां पर आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं उसका एक अलग मतलब है वो भी हम डिस्कस करते हैं लेकिन डेल्टा की एप्सुलट वैल्यू लाइज एनी बिटवीन जीरो टू वन और जीरो टू हंड्रेड परसेंट नॉट लेस देन जीरो नॉट मोर देन हंड्रेड परसेंट क्योंकि डेल्टा एक इंटरेस्टिंग चीज जो जनरली आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीखने को नहीं मिलेंगी डीप डाउन इन द बुक्स आपको कहीं पर ऐसे ट्रेजर्स छुपे हुए मिलते हैं और वो एक ट्रेजर स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं डेल्टा इज ऑल्सो सीन एज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ योर ऑप्शन एंडिंग इन द मनी विच मीन्स अगर आप इन द मनी ऑप्शन ही देख रहे हैं तो ये ऑप्शन की 76% प्रोबेबिलिटी है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन 76 सिक्स परसेंट प्रोबिलिटी है इस ऑप्शन के इन द मनी में बंद होने की अंटिल एक्सपायरी वाइल अगर आप एट द मनी ऑप्शन देखते हैं इसकी अप्रोक्सिमेटली 50 50 चांसेस है इन द मनी या आउट ऑफ द मनी में क्लोज होने की इसलिए इसका डेल्टा इज एप्रोक्सिमेटली फिफ्टी परसेंट एंड द प्रोबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन हंड्रेड परसेंट एंड द प्रोबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन जीरो परसेंट हेन्स द वैल्यू ऑफ द डेल्टा विल ऑलवेज बी बिटवीन जीरो एंड वन और जीरो टू हंड्रेड परसेंट एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट डेल्टा is about the sign of the delta. The delta for calls is positive and the delta for puts are negative. Why? Because the negative sign or the positive sign shows us, tells us कि mera option market ke sath direction में हाथ में हाथ डालके चलेगा या opposite चलेगा. अगर market ऊपर जा रही है और मेरा option भी महंगा हो रहा है, या इसको ऐसे बोलें, अगर market महंगी हो रही है और मेरा option भी महंगा हो रहा है, तो they both are moving in tandem with each other. इस ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये ये ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होता है? होता है है कॉल क्योंकि मार्केट ऊपर जाएंगी आपकी कॉल्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी का हमेशा रहेगा और वहीं महंगी होंगी तो मार्केट हो गिरेगी तो पुट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब मार्केट और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो इज दैट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज everything boils डाउन टू डेल्टा सो इफ you are एन ऑप्शन ट्रेडर आप डेल्टा सीखे बिना या डेल्टा पे मास्टरी किए बिना आप एक बड़ी गेम के प्लेयर नहीं बनेंगे चांसेस आर वेरी लो कि आपको डेल्टा ना पता हो और आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन डेल्टा सीखने के बाद आपके कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सेकेंड डेल्टा फॉर कॉल्स इज पॉजिटिव डेल्टा फॉर पुट्स इज नेगेटिव so delta for in the money options is 0.5 to 1 delta for at the money option is approximately 0.5 and delta for out of the money option is 0 to 0 0.5 positive sign if it is for call negative sign if it is for put please make sure you watch this video twice if you are beginning to start trading in option this video save this video in your bookmarks

आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेडिंग के लिए प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच